आज की हमारी रेसिपी है वेज मराठा। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले हम सूखा मसाला तैयार करेंगे। हमें चाहिए फ्राइड अनियन, थोड़ी सी सौंफ, थोड़े सा तिल, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, थोड़ा सा साबुत धनिया, साथ ही हम 7 से 8 लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ों को पीसने के बाद में अलग रख लें। कोफ्ता बनाने के लिए हम एक बोल में डालेंगे उबला हुआ आलू, इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई गाजर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी और थोड़ी सी कसूरी मेथी। साथ ही इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें और कॉर्नफ्लावर ऐड करें। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप गोल या ओवल शेप के कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। और कोफ्ते बनाने के बाद में बारी आती है इसका मसाला बनाने की। और इसके लिए एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही करी पत्ता और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी मोटी पिसी हुई प्याज। प्याज के भुन जाने के बाद में हम इसके अंदर सूखा मसाला ऐड करेंगे और सूखे मसाले के बाद हम इसके अंदर पिसा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे काजू का पेस्ट, साथ ही गरम पानी। और ये लीजिए, हमारा वेज मराठा बनकर तैयार है।